तो दोस्तों, जैसा कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो में रिसेंट स्टोरी में दिखाया गया है कि जेठालाल अब अपनी पुश्तैनी जमीन को बेचेगा और वहां से पैसे निकालकर रैमपन कंपनी को चुकाने वाला है। और इसके लिए दोस्तों उन्होंने फुंदर की मदद ली है और फुंदर ने भी एक बड़े बायर को ढूंढ निकाला है जो कि मुंबई से है। यहाँ पर फ्रेंड्स, जेठालाल की जमीन को खरीदने वाला ये बड़ा बायर कोई और नहीं बल्कि भोगीलाल ही होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये भोगीलाल ही है, क्योंकि इसके पीछे के तीन लॉजिक हैं। यहाँ पर पहला लॉजिक तो ये है कि जेठालाल और भोगीलाल दोनों एक ही गाँव से हैं और दोनों फ्रेंड हैं। तो यहाँ पर जैसे भोगीलाल को पता लगा कि उसके गांव में कोई जमीन बिक रही है, तो भोगीलाल यहाँ पर उस जमीन को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो गया होगा। और शो में जेठालाल ने बताया भी था कि उनकी जमीन की वैल्यू अभी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वहाँ पर अभी के टाइम में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया है। तो ऐसे में भोगीलाल एंड फन कंपनी है जो कि होटल का बिजनेस करती है, तो शायद उसने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वहां पर जमीन को खरीदने का प्लान बनाया होगा। जी दूसरा लॉजिक ये है कि दोस्तों सुंदरलाल बताता है कि जमीन खरीदने वाली वो बड़ी पार्टी मुंबई से ही है, तो मुंबई से दोस्तों भोगीलाल भी है, तो यहां पर हो सकता है कि ये बड़ी पार्टी भोगीलाल ही हो। यहां पर दोस्तों तीसरा लॉजिक ये बनता है कि जमीन को बेचने से पहले जेठालाल ने सुंदरलाल से स्पेशली कहा कि मेरी आइडेंटिटी को हिडन रखा जाए, मतलब जिसको जमीन बेचनी है उसको मेरे बारे में पता ना लगे। और यहां पर फ्रेंड्स, ना ही सुंदरलाल जानता है कि भोगीलाल ने जेठालाल का 50 लाख रुपए हड़पा है, और ना ही भोगीलाल को पता है कि ये जमीन जेठालाल की है। और यहाँ पर फैन स्टोरी भी काफी हद तक कनेक्टेड लग रही है भोगीलाल से, तो यहाँ पर हो ना हो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि ये जमीन खरीदने वाला बंदा पक्का भोगीलाल ही होगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स, एक और बात है कि चेक जो है ना, वो पहला चेक 50 लाख रुपए का ही जाएगा जमीन बेचने के लिए एडवांस में, और जेठालाल को भी भोगीलाल से 50 लाख रुपए ही लेने हैं, तो ये भी एक कनेक्टिंग पॉइंट है स्टोरी के लिए। और जब भोगीलाल जेठालाल को चेक करके देगा, तो वहाँ पर जेठालाल को भोगीलाल की असलियत का पता लग जाएगा और उसका भांडा फूट जाएगा, और ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वैसे फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या सोचना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएगा, और अगर आप भी मेरे इन तीन लॉजिक से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। एंड फ्रेंड, फॉर न्यू अपडेट ऑन तारक मेहता का उल्टा चश्मा, क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।